हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च से 15 मार्च 2019 तक के बिहार स्पेशल करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, खास करके बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबा के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सही टाइम से मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बिहार के मोतिहारी जिले में 3 दिनों तक चलने वाला कृषि कुंभ मेला का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा सरकार किसान की आय बढ़ाने के लिए बीज टू बाजार, बाजार मजबूत बुनियादी ढांचा भी तैयार कर रही है। आइए आगे देखते हैं। बिहार शराब तस्करी की जांच के लिए डॉग स्क्वाड तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, पटना में नगर बस सेवाओं को ट्रैकिंग के लिए चलो ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, बिहार मानवाधिकार आयोग सदस्य के लिए शशि शेखर तथा उज्जवल कुमार दुबे को मनोनीत किया गया है। आगे देखते हैं। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। नेक्स्ट है, जूनियर नेशनल कबड्डी में बिहार के मोकामा की रहने वाली कोमल ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, पटना में तिरुपति बालाजी मॉडल पर आधारित भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नए नियमों के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय की आवश्यक जमीन 75 डेसिमल यानी 0.75 एकड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, दीपक कुमार सिंह को बिहार के वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, निक्षय पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा टीबी के मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आइए आगे देखते हैं। बिहार में गया, गोपालगंज, कैमूर, जमुई तथा नवादा जिलों में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय होकर अब बिहार ग्रामीण बैंक बन जाएगा। नेक्स्ट है, भूपेश नेगी को पटना एयरपोर्ट के नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आइए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के राजधानी पटना में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में तिब्बत जन क्रांति दिवस का 60वां संस्करण मनाया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 200 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। आगे देखते हैं। पर्यटन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विजिट बिहार सेवा शुरू करने जा रहा है तथा इसके अंतर्गत छठ, होली, दशहरा तथा जगन्नाथ रथ यात्रा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट है, बिहार के राज्य की पहली कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के तहत कोसी और महानंदा नदी को जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। आइए आगे देखते हैं। बिहार 15वां राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप सेवरल पालसी 2019 में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है, बिहार में 17वीं लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होंगे। नेक्स्ट है, राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर PMCH में खुलेगा। नेक्स्ट है, IGIMS पटना शोध करेगी कि रात में कितने लोग मोबाइल फोन देखते हैं। आइए आगे देखते हैं।
बिहार के बोधगया मंदिर के सलाहकार पार्षद का पुनर्गठन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के पटना में दिव्यांग के लिए बस चलाने की योजना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है बिहार के पंडित गोविंद झा को गंगानाथ झा सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की योजना के तहत विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट मंदिर से अवशिष्ट पदार्थ से ऑर्गेनिक खाद बनाया जाएगा। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट है ये, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों में इक्यूवेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।